आरयूडीपी, आरयूडीपी से कोई अधिकारी आए हैं? आरयूडीपी चाबी के साथ आधुनिकता का ये रेलवे स्टेशन रेल यात्री की सुविधा के लिए एक बेहतरीन रेलवे स्टेशन होगा। आने वाले समय में बूंदी में अधिकतम ट्रेनों का खेराव हो, देशी विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं और देशी पर्यटकों को और विदेशी पर्यटकों को यहाँ पर रेल की तमाम सुविधाएं मिले। आने वाले समय में कोटा अजमेर रेल लाइन के सर्वे के लिए भी 50 करोड़ रुपये आवंटित हुए हैं। उससे आने वाले समय में कोटा अजमेर रेल लाइन का काम होने के बाद बूंदी और कोटा की कनेक्टिविटी अन्य ट्रेनों की भी बढ़ जाएगी। रेलवे के पुनरुत्थान के लिए, रेलवे के विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज 554 रेलवे स्टेशन का देश भर के अंदर शिलान्यास किया है। कई और ब्रिज, अंडर ब्रिज का भी शिलान्यास लोकार्पण किया है। जिस तरीके से रेल के अंदर एक नए युग की शुरुआत हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में रेल यात्रियों को सुगम सुविधा और सुरक्षित यात्रा मिले, इसके लिए बहुत गंभीर प्रयास किए जाएं, जिसके परिणाम आज देश को देखने को मिल रहे हैं। आने वाले समय के अंदर रेल आमूलचूल परिवर्तन होगा और एक नए युग की शुरुआत होगी रेल में, जिसको हम अमृत भारत के रूप में देखते हैं। विकसित भारत के रूप में रेल का बहुत बड़ा योगदान है। जहाँ जहाँ रेल स्टेशन होते हैं उनके आसपास आबादी बसती है, रोजगार के अवसर सृजन होते हैं। इस रेल का बहुत बड़ा योगदान किसी देश के विकास में होता है। लोकसभा के अध्यक्ष के साथ साथ मैं यहाँ का सांसद हूँ, मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि जनता की समस्याएं, अभाव, कठिनाइयों को सुने, उनको समाधान करें और किस तरीके से उनके बताए गए सुझाव, उनके मार्गदर्शन से विकास की कार्य योजना बना सके। क्योंकि हर गांव को हम, जो गांव पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, उस गांव को जो विकास के सबसे अग्रणी गांव है, इसके समकक्ष लाने की कार्य योजना बनाएंगे। इसलिए जनसुनवाई के समय कई सारी ऐसी परेशानियां, दिक्कत, कठिनाइयां, लोगों की मुसीबतें ध्यान में आती है, उसको सुनने से हमें समाधान के नए रास्ते और सुझाव मिलते हैं। बिरला साहब का एक सपना है बूंदी के लिए, मेडिकल टूरिज्म को कब तक पूरा हो जाएगा? मेडिकल कॉलेज का काम शुरू हो चुका है, बहुत जल्दी मेडिकल कॉलेज का काम शुरू हो जाएगा। इसी के साथ यहाँ रामगण अभियान का काम भी शुरू है। आने वाले समय के अंदर ये बूंदी के अंदर जो खेल संकुल बनेगा, वो हाड़ोती ने राजस्थान में अपना आप ऐतिहासिक खेल संकुल होगा। उसी के साथ साथ यहाँ टूरिज्म को आकर्षित करने के लिए बहुत जल्दी यहाँ पर हम प्रसाद लाइट के साथ साथ और आने वाले समय के अंदर और लाइट डेकोरेशन के माध्यम से इस बूंदी को हम और बेहतरीन करेंगे। बूंदी रेलवे के विकास के साथ साथ यहाँ पर रेलवे के अलावा फाउंटेन,
और यहाँ की तालाब, यहाँ की बावड़ियाँ, उसको भी सुंदर बनाने के लिए प्रयासरत है और जिसके परिणाम अब देखने को मिले आने वाले समय में बूंदी पर्यटन के रूप में और विकसित होगी, क्योंकि बूंदी का गौरवशाली इतिहास हम सबको प्रेरणा देता है। शौर्य वीरता की धरती बूंदी केवल देश में नहीं, देश के बाहर भी बूंदी की शौर्य और वीर की गाथाएं सुनी जाती है और ये देशी विदेशी पर्यटकों के लिए बहुत आकर्षण और बहुत कथन स्थान है जिसके विकास के लिए कठिनवाद। दिला दो भाई साहब, दिला दो आपको। ना 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 ना, कोई नहीं पेरा बोल का पानी कौन पीता है, और हर बार चार्जिंग नहीं होता, कोई बार फिल्टर खराब हो जाता है, कोई बार डाल ना बजे। बोरिंग लगवाना पड़ेगा, सैंपलिंग हो गया है, बोरिंग तो आप कह रहे हो गया, नहीं यहाँ से फोन आया था ऑफिस से, तो बोरिंग तो हम दे देंगे। छोटा सा अनुरोध है, ये भारत सरकार प्रधानमंत्री जी ने जो किया उसको धरातल पे कर रहे हैं, तो इसका पोस्टर है जिसमें पढ़ने की है 26 देशों के लोग हैं, तो आप क्या तो एक बार बिल्कुल आपके पास जाना है, आप स्कूल का मामला ये पीली सी खांसी तो इसी तरह नई नई अपडेट्स व जानकारी जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास, व चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।